इस शोर में भले ही बाहर की आवाज सुनाई ना दे, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि जानबूझकर तूने अपने आप के आसपास इतना शोर मचा रखा है ताकि सच्चाई की आवाज तेरे कानों तक ना पहुंचे, और बहुत देर हो चुकी है। वो आवाज तेरे घर के अंदर आ गई है, तेरे कृष्णा के पास आ चुकी है। अब तू लाख कोशिश कर ले अनसुना करने की, लेकिन उसका असर होकर ही रहेगा। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, एक बाप को अपनी बेटी से जुदा कर रही है तू? ऐसे होता है कभी? लल्ला ने कितनी माफी मांगी, हाथ जोड़े, पर तू माफ क्यों नहीं करती उसे? कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने अम्मा जी कि लल्ला से गलती हो गई है, वो माफी मांग रहा है, उसे माफ कर दे। लेकिन अम्मा जी, अगर उसकी जगह हम होते और वो हमारी जगह होता, तब भी क्या तुम यही कहती अपने लल्ला से कि गंगा से गलती हो गई, लल्ला उसे माफ कर दे, वो माफी मांग रही है? कभी नहीं कहती अम्मा जी, हम जानते हैं, कभी नहीं कहती। ना तो तुम्हारा लल्ला हमें माफ करता और ना ही तुम कभी हमें माफ करते, फिर हमसे ऐसी उम्मीद क्यों करती हो? क्या एक औरत होने के नाते हर बार हर किसी की गलती के लिए हम उसे माफ करें? चलो एक पल के लिए मान लिया कि हमने तुम्हारे लल्ला को माफ कर दिया, लेकिन उसका ये मतलब मत समझना कि हम अपनी कृष्णा के साथ तुम्हारे लल्ला की जिंदगी में उसके घर में वापस चले आएंगे। हम पे भरोसा ना करने का फैसला सागर का था जी, और हर बार उसकी मर्जी नहीं चल सकती है। ये तू नहीं है, तेरी अकड़ बोल रही है। कितनी स्वार्थी है तू, सिर्फ अपने बारे में सोचती। अरे कृष्णा के बारे में भी तू सोच। वो बिन बाप की बेटी कब तक ऐसे चलेगा? कब तक वो लड़की बिना बाप के साए समाज में रहेगी? अरे उसको अपना बाप का नाम चाहिए कि नहीं? और जब चतुर्वेदी खानदान का नाम उसके साथ जुड़ जाएगा तो उसका जीवन संवर जाएगा, ये बात तू क्यों नहीं समझती? हमारी कृष्णा की जिंदगी में अभी भी कोई कमी नहीं है अम्मा जी। हम उसे वो सब देने की पूरी कोशिश करते हैं जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, और हमारी कृष्णा बहुत खुश है, और वैसे भी वो हमारी बेटी है। जितना है उतने में खुश रहना उसे अच्छी तरह आता है। ये तू सही नहीं करी गंगा। हर बच्चे को अपने बाप का नाम जरूरी होता है, और कृष्णा मेरे खानदान की है, मेरे परिवार की है। चतुर्वेदियों का खून दौड़ता है उसके रगों में, और मैं अपनी लल्ला की बेटी को लेकर ही रहूंगी, वो भी बहुत जल्द। तब तक सच्चाई से अपने कान बंद करके ये शोर सुनती रहे। कभी कभी मुझे भी कुछ पति धर्म निभाने का मौका दे दो। अब तुम चुपचाप देखो, बर्तन में दूंगा, से बताता हूँ बाद में। क्या धैर्य सर? समय ने कितना बदल दिया है धैर्य सर को। जिस धैर्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धैर्य सर क्या कर रहे हैं? अच्छा रुकिए रुकिए, हम बता दीजिए ना, दो मिनट में। उज्जवल जरा गाड़ी पीछे लेना। अभी इसके होश ठिकाने लगाता हूं मैं। अंकुर रुको, ये यहां क्या कर रहे हैं? शांति से काम। जरूरी नहीं कि मारने से बदला लिया जाए, कई बार दूसरे की औकात दिखाने से भी बदला लिया जा सकता है। तुम कुछ देर शांत रहना, आओ हमारे साथ। जरा तीन प्लेट इडली दीजिए। अभी देता हूँ मैडम। पहले उन्हें दीजिए।
रिद्धि सेल्स को दे दो और वो हमारा माल बेच देंगे, और बात रही कमीशन की तो वो मुझे इंतजाम करना पड़ेगा। और इतने पैसे आएंगे कहाँ? चिंता मत कीजिए आप, संतोषी माँ ने अब तक संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। एक बात बताएं, अब बहुत बदल गए हैं। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि आज आपने माधव मैडम को पलट कर जवाब नहीं दिया, आप पहले ऐसे नहीं थे। शायद संगत का सर है। वैसे अच्छा ही किया जो जवाब नहीं दिया, सहन करना अपने आप में बहुत साहस का काम है। संतोषी मैंने जवाब नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन मैं जवाब नहीं दूंगा। कल जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे मैं जवाब भी दूंगा और ये पैसे लौटा भी दूंगा। अच्छा ठीक है, पहले हम ये बताइए कि आपने मेरे बर्तन क्यों नहीं साफ करने दिया? तुम्हारा बर्तन साफ करने का मन था, मुझे पता नहीं था। मजाक कर रहा हूँ। बात असल ये है कि अगर मैं तुम्हें आज बर्तन साफ करने दे देता तो पति के रूप में मैं तुमसे जिंदगी भर क्या बात की भाभी, सब खैरियत? क्या है? क्या है? मुंह में क्या है? क्या है मुंह में? अच्छा, और वो क्या छुपा रखा है आंटी में? अब क्या बड़की भावजी, तुम भी ना, अरे इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं हम यहाँ पर और तुम ये चुरा के खा रही हो। चुराया ना है देवर जी, अजी मेवा तो ऐसे ही पड़ा था, फेंका जाता तो हमने सोचा जरा चख लेना लखनऊ का मेवा। अच्छा अच्छा, चल चलो हमें भी खिलाओ फिर तो। हाँ चखो चखो। क्या है? ना है? हाँ लो दो तीन और ले लो। हाथ में लाना जरा, वो चुन के लेंगे। दो? अरे अरे लाओ, अरे अरे देवर जी, अरे छोड़ो यार, अरे चुरा के खाने में और भी मजा आता है। तीरे थे काजू में। ये क्या किया मोम आपने? अंकुर, हम तो तुम्हें खराब एप्पल खाने से बचा रहे थे, और ये कोई असली खेल नहीं है जो तुम इतना चिढ़ रहे हो। एक वीडियो गेम ही है, वो फिर से खेल लेना। मोम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उस सांप ने भी अभी तक कुछ नहीं किया। चाचा और चाची की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर आपने उस दिन मुझे रोका नहीं होता ना तो मेरा बदला कब का पूरा हो चुका होता। रिलैक्स अंकुर, रिलैक्स। ठहरे तो पहले ही पारस के कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है जिससे वो कभी नहीं उभर पाएगा, और मरे हुए को मारने में क्या मजा आएगा। बॉब, मुझे ऑफिस का एक काम याद आ गया, मैं काम निपटा के आता हूँ। भाभी ये अंकुर इस वक्त कहाँ गया? उसे ऑफिस में कुछ काम था, वहीं गया। ओके, और भाभी सब कुछ ठीक है? मुझसे कुछ छुपा रही है। स्कूल में कहा था ना वो कुछ टेस्टिंग के लिए, एक दिया है। जो बचे हुए सारे पैनल्स है ना यहाँ पे, ये भी उठा के दान कर दो। क्यों? यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, कॉर्पोरेट से बात करो, कंपनी से बात कर रहा हूँ, सारे बेचने के लिए तुम यहाँ मुफ्त में बांट रही हो, तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है?